अम्मी दिख तो सही रही है। बहुत अच्छी खुशबू भी अच्छी आ रही है। बहुत अच्छी। फ्रेंड्स भाभी आ गई हैं तो आज हमने सोचा बिरयानी बना देते हैं, भाभी को पसंद है। आज थोड़ी थकी हुई हैं तो थोड़ा आराम कर रही हैं। इस बार पूरे पकने दूंगी मैं। इस बार कच्चे मत। उस बार तुमने बहुत कच्चे रखे थे ना। और भाभी आ गई है और इनकी अपनी आपस में बहुत सारी बातें चल रही है जो इतने दिनों से रुकी हुई थी। हमने बोला था कि वो है नहीं तो अच्छा नहीं लगता वीडियो में। हाँ, कि वो होती है। हाँ, ऊपर नीचे दुनियादारी की बातें चल फिर रहती। हमने कहा शोर रहता है। सुना था आपने। तो मेरा वही तो काम होता था ना, शूट खत्म करने के बाद रूम में जाके अपने व्लॉग देखने। इतना सोना लग रहा है उसके वजह से कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा अभी तो आप डाइट नहीं कर रहे हो ना? आज वह कल से करोगे? अभी कुछ दिन रेस्ट ले रहे हो? नहीं कल से करूंगी। कल थोड़ा थोड़ा। हाँ, धीरे धीरे। हाँ, एकदम से नहीं। हाँ, क्योंकि इतना काम करके आया। एक मील लूं बाकी। हाँ, मैं परेशानी तो मैं जो खिलाना है जो भी खिलाना आज सब कुछ खिला नहीं पड़े तो मुझे खाने तो वो जब भी 3-4 दिन बाद जब भी तुझे कम्फर्टेबल लगे जो जो खिलाना सब खिला दे। ठीक है। और वहां पे सही रहा? हाँ, सबसे का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो तो आप शेयर करने वाले। उन्होंने खुद से पूरा मतलब कोई हेल्प नहीं कुछ नहीं उसने पूरा किया खुद से। और वहाँ पे फेमस है सारे एक्टर्स के बीच में कि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा फिल्मी है। वो तो है बिल्कुल बहुत फिल्मी है बहुत अच्छे से। मजनू भाई नाम भी पड़ गया उनका। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तो आपने आमरस खाया है ना? हाँ। कितना अच्छा बनाया था। मैंने बोला चलो मुझे नहीं आता ये मेरी पसंद की चीज। अच्छा आपने अभी कभी नहीं बनाया था? कभी। आप मैंगो शेक बहुत अच्छा बनाया। हाँ, उसने पूरा सब ऊपर बनाया। हाँ। और हम कोई गया नहीं कि खुद वो कर रहा है। हाँ। तो जो आटा गूंद रहा था ना वो मैं तो देख के ही रह गई। मम्मी करी आटा कितना अच्छा गूंदा है एकदम ऐसे प्रॉपर हार्ड सॉफ्ट एकदम। और जैसे होते हैं कि कैसे भी गूंद के रख दो पूरा ऐसे वो आटा देख के मुझे तो सही गुंदा सही पूरियां बेल रहे गोल ऐसे मस्त फ्राई कर रहे थे। पापा भी बोले कि सानू आटा गूंद रहा। पापा आपको आता है गुंदा? मेरे को कुछ भी नहीं आता। नहीं आता। वो तो बहुत बड़ा सरप्राइज था। मैं सोचती नहीं मैं क्योंकि जैसे ही मैं आई वो हम लोग स्टैंड के इधर काम नहीं करते थे यहाँ पे आटा लग जाता है तो वो लगा हुआ था तो मुझे लगा शायद बेसन वेसन के पकौड़े वगैरह क्योंकि मुझे इतना बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रहा हूँ तो मैं बोला नाश्ता मतलब पकौड़े होंगे वो इजी होगा। और मुझे पहले फ्लाइट में बैठने से पूछा था अच्छा आपके पास केसर है तो मैं रास्ते में पूछ रही थी कि केसर बना रहे हैं। अच्छा पूछ लिया। लेकिन बहुत अच्छा बनाया था। और ये था कि आपको ये चीज ऐसी है कि आप बहुत एक्साइटेड होते हैं और मैं क्योंकि मैं नहीं बनाती। हाँ। और क्योंकि शोएब को इतना पसंद नहीं है तो वो कभी सीखा हाँ, भी नहीं तो हमेशा बाहर से ढूंढते हैं तो ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज था। देखा नहीं। हाँ। वीडियो में देखा तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो बोलता भी तो जा रहा था कि प्यार में तो सब कुछ करना इतने दिनों से तो इंतजार कर रहे थे। हाँ, बार बार बोलता जा रहा था प्यार में सब कुछ करना तो अच्छी बात। I think बिग बॉस के अलावा ये पहली बार मैं थी। इतने दिन तो नहीं कभी नहीं रहे। ये बहुत ज्यादा हो गया था। ज्यादा हो गया था। 20 दिन पूरे। हाँ ये बहुत ज्यादा हो गया था। शुरू के 1-2 दिन मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ आ जाएंगे। चाय दे रहे तो कडल से बोल रहा था कि दीपी आ रही है। कडल ने कुछ रिस्पॉन्स दिया? कडल देखो कौन आया कौन आया ऊपर से आया सर भाई बहुत खुश है। हाँ, हाँ, क्या बोला था आगे खुश ये जब से नहीं शायद आपके आने से एक रात पहले कल से आज तो शानू भाई अलग ही मूड में शानू की शानू भाई बहुत खुश है शानू भाई बहुत खुश है। कैसी खुशी क्या खुशी कर अरे गुनगुना हाँ उछल कूद रहे कह रहे हैं शानू भाई बहुत उछल कूद रहे हैं ये इसका वर्ड था। फिल्मों में जो दिखाते हैं अब बच्चे तो बच्चे उनको जैसा दिखता है वो आके बोल देते हैं
कैसे उछल कूद रहे थे? मतलब बहुत ऐसे घूम रहे थे हर जगह, इतना सब एनर्जी उसी में से नहीं रही हाँ। तो एकदम खामोश रहते थे, जो काम का बोलते थे हाँ। तो वो बहुत ही हंस रहे इधर हाँ। जितना वो अपने आप को ऐसे रखने की कोशिश कर रही है, सब चिंता छूट गया उसी तो चेहरे में दिख जाती है, किसी की भी वो चेहरे दिखती है। तो इतने दिन के लिए कहीं मत जाना, मम्मी ने तो कह दिया है कि अभी कोई भी ऐसा होगा तो बोल देना कि यही नहीं जाओ, जहाँ जाओ नहीं जाओ, नहीं हो पाता रहना। बहुत लंबी वहाँ पे बीच बीच में एक हाथ दिन इतना ऐसे था ना, पर चलो मेरा दिन एटलीस्ट दिन निकल जाता है क्योंकि शूट में बिजी हो जाते हैं। सही है, पर वो रूम में आने के बाद रात को अकेले कमरे में बैठे हो वो बहुत बुरा लगता है। सही बात, आप कभी भी जाएंगी भाभी तो कह देंगे दोनों साथ जाओ, सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से बोल देंगे एक काम करो एक और टिकट कराओ। अमित आराम से कह रही है अब कहीं भी जाएंगे तो बोल देंगे, कुछ भाई का काम होगा तो बोल देना उनको लेके जाओ, उनका होगा तो बोलना उनको लेके जाओ। हमारी सच में यही तमन्ना रहती है दिल से कि कहीं भी जाओ तो साथ जाए। सही बात है हाँ, फिर हम लोग को इतना बुरा नहीं लगता कि हाँ चलो ठीक है जाओ। चलो अब हम चल के अपना जर्दा देख लेते हैं जो अभी कुछ इस तरह दिख रहा है। और ये ना भाभी ने आके बोला तुम लोगों ने नए कर्टन्स के तो ये टैग ही नहीं निकाले, चढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ये पता नहीं कैसा बने, कलर भी मिक्स हो गया। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखो ठीक है अच्छा लग रहा है। तो अब हम इतने दिनों बाद हम साथ में मिलके हम लोग खाना खा रहे हैं, बिरयानी हम लोग खा लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। भाई की डाइट चल रही है तो वो शायद नहीं खाएंगे, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि उनके सामने उनका एक अलग एक मतलब फेस्टिवल बराबर दिन है कि जिम खुल गया, जिम खुल गए आज से, काफी हद तक लॉकडाउन खत्म हो गया है तो इसलिए वो खुश है और अपनी डाइट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनको सामने नहीं बुलाएंगे, उनके सामने खाएंगे और वो डाइट करेंगे। तो हम लोग खा लेते बोल दे उनकी बीवी तो सही खा ले, सही बना इस बार एकदम कलर, लेकिन मिक्स हो गया भाभी। आप बोल रहे थे ना वो मिक्स हो जाता है, पता नहीं शायद कुछ कम डालना होगा। नहीं नहीं क्यों हो जाता है वो होगा ही, हो गई ना वो होगा ही। चलो अभी हम लोग खा लेते हैं उसके बाद आपसे मिलेंगे। हालत देखो फ्रेंड्स, मैंने दुपट्टा ये डाला है, कुर्ता ये पहना है और सलवार देखो लाल पहनी हुई है अम्मी की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बहुत सारी चीजें मुझे बनानी है और मैं डायरेक्ट उठ के किचन में जाके चली गई। अभी नहाऊंगी, आप ये बताओ जर्दा कैसा बना? जर्दा इतना अच्छा बनाया है, एक बार बस तो सभी से बिगड़ता है, दोबारा में ऐसा की यकीन नहीं था। हम और दीपिका ने खाया मतलब वो भी वो मान गई कि सिर्फ एक चीज मेरे हिसाब से मुझे परफेक्ट नहीं लगी, कलर जो है वो मुझे जैसे भोपाल में वो बनाते थे या मौदा में भी मैंने जब भी खाया है वो ग्रीन और रेड वाला, तो वो चावल ग्रीन और रेड मिक्स नहीं होते, व्हाइट अलग रहते हैं, लेकिन मेरा जो कलर है वो मिक्स हो गया। लेकिन वो जैसा भी है लेकिन बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, तो अगर उसका टिप होगा तो आप मुझे बताइएगा। वही कटर तो कितना नाच रहा है, वही मैंने बोला दीदी जैसा मैं अगर देखो अभी एक साल छह महीने पहले की बात किचन गैस चलाने में डरती थी सब, अब आज देखो बिरयानी गुलाब जामुन हमारे यहाँ बोलते हैं रसगुल्ला, रसगुल्ला अलग होता है, अम्मी गुलाब जामुन अलग होता है, काला जामुन अलग होता है हमारे और... इसको ही बोल देते हैं। अच्छा और वो बिरयानी सब कुछ दही बड़ा हर कुछ मतलब। तो अभी भाभी को फ्रेंड्स नहीं पता है कि हम गुलाब जामुन और दही बड़ा भी आज ही बना रहे हैं, तो अभी मैं और रिजा जा रहे हैं शॉप पता कर रहे हैं कि ओपन है कि नहीं, तो मावा लेके आएंगे। जब बिरयानी खा रही थी तो कह रही थी कि मैं जरूर खाऊंगी चार पांच दिन बाद चार दिन बाद खाऊं, और उसको ये पता नहीं कि मैं अभी खिलाने वाली हूं, तो हम अभी बनाएंगे तो हम भी जाके तैयारी कर लेते, पहले सबसे पहले मैं नहाऊंगी उसके बाद कुछ करते हैं। बंद हो गई होगी शॉप? नहीं खुली रही, खुली रही, एक बार चल के तो तुम्हारे तो दोस्त है तो मुझे सब पता है। अंकल दही चाहिए और मावा। अच्छा ठीक है हम लोग आते हैं। क्या बोल रहा हूँ तो इसलिए तुम कह रहे हो बाहर चलो, मैंने अभी भी नहीं नहाया, मुझे नहाने तो जाने दो, अभी दही बड़े भी ले मतलब खाने हैं। आज हम भाभी को छोटा सा सरप्राइज देने वाले हैं, उसके लिए हमने ये बलून्स मंगाए थे तो वो आ गए हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, तो अभी हम धीरे धीरे सारी तैयारियां करते जा रहे हैं। ये हमने ले लिए 500 रुपए और अभी हम लेंगे दही और मावा। नहीं नहीं मावा नहीं, कॉक कॉक मावा नहीं लेना, मावा वो अपनी अपनी बड़ी रहती है। चलो हेलो अंकल,
ना 4 बजे तक लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे, हमें कुछ लेना था बलून वलून, और भैया ने बोला आप अंदर आ जाओ, और शटर बंद कर लिया, और जो हमारा निकलने का नंबर आया तो क्या उन्होंने बोला कि बाहर शायद वो जो कौन होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले लोग हैं, और हम लोग को अंदर 10 मिनट रुकना पड़ा। इतना ज़्यादा डर लग रहा था मुझे, लाइफ में कभी भी कोई ऐसा चुपके से काम करना ही नहीं चाहिए, आज मैंने सीख लिया। और हमने जो केक ऑर्डर किया था वो भी आ गया है, हम लोग आ गए मावा लेके। और अब जो सारा इंसिडेंट हुआ था वो हमने A to Z अम्मी को बताना था, हम हर चीज़ अम्मी को इसी तरह बताते हैं, आप भी इसी तरह ही बताते होंगे ना। कभी भी लाइफ में एक सीख मिली है कि हमेशा सीधा सच्चा ही काम करना चाहिए, जहाँ पे थोड़ा डर हो वो कभी मत करो। अभी तक मेरी धड़कन नहीं हो रही, अंदर अंदर सोच रहे हैं कि पुलिस वाले आ जाएंगे तो उनको कह देंगे कि शायद बच्चे देख के माफ कर दें कि बच्चों के काम पर, वो भी बोलेंगे कि तुम्हें क्या जरूरत थी अभी स्टेशनरी आने की, डर लगा? नहीं मुझे नहीं लगा, तुम्हें? मुझे बस थोड़ा थोड़ा लग रहा था, फिर बाद में। तो अभी हमने जो दही वड़े की दाल पीसना स्टार्ट कर दिया है, दाल डाली उसमें थोड़ा पानी डालना है, उसे अच्छे से मिक्सर में पीस लेना है नॉर्मल करके, वो कुछ इस तरह दिखे। इस वक्त फ्रेंड्स कितनी प्यारी लाइट आ रही है किचन में, मतलब सनसेट होने वाला है और हम लोग अभी किचन में है, हम लोग बना रहे हैं दही वड़े और गुलाब जामुन। तो हमने जो है ना ये पीस ली है, अभी हम इसमें थोड़ा सा सूजी मिलाएंगे और इसके वड़े तल लेंगे, और चटनी हमारे पास बनी हुई रखी है, अम्मी आप खा के आ गए। ज़रदा इतना अच्छा लगा है कि अम्मी देखो आप पे भी कितनी अच्छी लाइट पड़ रही है, फोटो खींच लीजिए। और देखिए यहाँ पे दाल पिस गई है, इसमें हमने सूजी ऐड कर दी है, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये शाम का भाई का नाश्ता, यहाँ पे वड़े तल रहे हैं और हम इन्हें तलते जा रहे हैं। हमने इस बार आधा किलो दाल का बनाया था तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगी थी, 1 किलो में बहुत मेहनत लगती है। यहाँ पे हम वो पानी गर्म कर रहे हैं जिसमें हम वड़े तलने के बाद उसमें डालेंगे, उसमें हमने हींग और थोड़ा सा नमक डाला था, और देखिए तले हुए वड़ों को इस तरह से हमने पानी में डाल दिया है। और यहाँ पे हम बना रहे हैं गुलाब जामुन, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी रेसिपी बता ही चुकी हूँ। गोल गोल करके रिजा दे रही हूँ कि मैं गोल गोल बना रही हूँ तो मेरा क्या बन रहा है, लट्टू। ठीक है और लो ऐसे। हाँ टेढ़ा कर सीधा कैसे? एकदम स्ट्रेट। हाँ अब उसको पूरा अच्छे से घुमाओ। अरे कैसा? हाँ ऐसे घुमा 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 पूरे साइड से, हर साइड से, बस बस बस। अरे तो लट्टू क्यों कैसे अम्मी बड़ी खुश है क्योंकि अम्मी की जो बहन है ना उनका रिजर्वेशन हो गया है। होना जरूरी है, तुम ही बताओ। क्या जरूरी है? खुश होना जरूरी है। जरूरी है और क्या, खुश होने की बात है, जरूरी क्यों है? हाँ वही मतलब खुश एक ही बात है। पापा आपको कैसा लग रहा है, अम्मी के घर वाले आएंगे तो? ठीक है अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, वही तो मैं अम्मी से कह रहा था। हाँ। जाने तो बाद में जाते। हाँ। अभी फिर नहीं, फिर चलेंगे। हाँ। अच्छा। जा रही हो? चलो हो गया, अम्मी आप मत ज्यादा करो। वैसे अच्छा अम्मी एक्सरसाइज है आपके लंग्स के लिए, अच्छी एक्सरसाइज है। अम्मी मैं फुला रही हूँ तो मेरे गाल में अंदर दर्द क्यों हो रहा है? यहाँ पे से कुछ कटा है। अम्मी आप इतनी मेहनत कर रही हो, आप दही वड़े खाओ, काम के बाद खाएंगे। नहीं नहीं बस हो गया, बस हो गया, ज्यादा नहीं। तो फुला। आज आप बहुत अच्छी लग रही हो अम्मी, माशाल्लाह। सॉफ्ट है बहुत। सही अच्छा बार बार कहाँ तक बोल रहे हो?
अब तो आ गया ना अम्मी मुझे बनाना। फ्रेंड्स आज फाइनली अम्मी ने कह दिया कि तुम पास हो गई कुकिंग में, है ना। पूरे पूरे 100 नंबर में 100 नंबर है, ये कम नहीं है। आज सारी चीजें सही बनी ना, पूरी सही, पास हो गई। किसी के कम कम नंबर आते, किसी की सप्लीमेंट आती, पूरी पास है। अम्मी आपको पता है सप्लीमेंट्री? हाँ, जो फेल हो जाते हैं फिर से दोबारा देना पड़ता है। अम्मी लेकिन हमें कभी ऐसा मौका नहीं आया ना, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। अल्लाह के करम से बहुत डर लगता था ऐसा, लेकिन नहीं बहुत हुआ। जितनी तारीफ करो कम है, बहुत। तो इनाम क्या मिलेगा? इनाम क्या लोगी बताओ? कुछ भी दो। बताओ क्या लोगी? अंगूठी दिला दो, चेन दिला दो। इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल दिला देंगे, लेकिन इतना महंगा की बात मांगा। अरे दिला दो सबके सामने। हाँ, कह रहे वाला थी, हमें देना पड़ता। दिला देना, चलो ठीक है। इसमें एस लिखा होगा, एस लिखा होगा, वो पेंडेंट चाहिए। हाँ, तुम्हारी एक चैन है 2 पैसे की। हाँ। एक चवन्नी भर की। हाँ। उसको 8 भर करवा देंगे। चुप रहो, नहीं एक नई दिलाना, जो पुरानी रखी है वो रखी रहने दो। पापा आपको भी दे दही बड़ा, खाने के बाद ठीक है। रिहान पकड़, भाभी के लिए एक गिफ्ट मंगाया है जो काफी 2 दिन से आके रखा है, लेकिन हमने खोला नहीं है, तो हम इसको पहले अनबॉक्स कर ले। 2, 3 तो इसमें क्या होगा? इसमें भाभी का गिफ्ट। क्या भाभी का गिफ्ट? दीपिका की दुनिया, आपको पता है। अच्छा, हमने अम्मी को पहले ही बता दिया था। सभा का जहाँ दीपिया की दुनिया, सोएब को भूल जाती हूँ। क्या है भाई का? भाई का क्या है बता? सोएब इब्राहिम। और आगे ऑफिशियल? हाँ देखो पापा ने बता, बोलो। सोएब इब्राहिम सेफियर। मम्मी ऑफिशियल, सोएब इब्राहिम ऑफिशियल, ध्यान सुनो, सोएब इब्राहिम ऑफिशियल, सोएब इब्राहिम ऑफिशियल। हाँ, वेरी गुड, बोलो। शोएब इब्राहिम ऑफिशियल के पेज को सब्सक्राइब करें। शोएब इब्राहिम के पेज को आगे ले जाएं। नहीं, शोएब इब्राहिम ऑफिशियल के पेज को, शोएब इब्राहिम के पेज को, शोएब इब्राहिम ऑफिशियल के पेज को सब्सक्राइब करें। शोएब इब्राहिम के ऑफिशियल, सोएब इब्राहिम के पेज के ऑफिशियल को आगे ले जा। ये बोल दिया अम्मी, वेरी गुड। तो अब अम्मी हम तीनों के चैनल के नाम बताएंगे आपको, तो आपके तीनों के चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप किसी को एक का नहीं करते हो। तो चलो बताओ, सबसे पहले दीपिका की दुनिया। हाँ, 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 सभा का जहाँ। हाँ, सोएब इब्राहिम। हाँ, ऑफिशियल। हाँ। ना टूटा ये, यहाँ था ये पूरा। हाँ, वो एक रहने देते। टूटा है क्या वो? ऐसा होता होगा ना यहाँ टंगने के लिए, थोड़ी ना होगा। ये देखो, ये सब एक जुड़ा चीज जुड़ी है। क्या जल रहा है? नहीं जल रहा, कुछ ऑन करने का होगा नहीं से कुछ। हाँ, हो गया, हो गया। चेंज करेंगे ना वो? बिल्कुल करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। उनसे बोलो, उनसे फोन करके बोलो, मैसेज मत कर। फिर हमने इसको हॉट ग्लू गन से जोड़ने के लिए ट्राई किया। नहीं। तुम हमेशा अच्छा बोलो ना। मैं सच्ची तो बोल रहा हूँ। तू चिपक भी तो सकता है। चिपक गया तो बोल। हमेशा चिपकेगा ही नहीं। देख ले हूं। तुम ढक्कन खींचो मत। खींचो मत अब तुम अपने। और फूको। नहीं फूको। वो हॉट ग्लू गन में नहीं होता। हवा लगती है। जैसे निकलता है बम। धीरे से। बच्चे तुम बुला रहे नीचे। सालू क्या कर रहा है? कोई गिर जाएगा रहमान, खोलो। हिलने जा रहे थे नीचे आने वाले।
ये अभी बना है गुलाब जामुन ब्राइट कर अपने दिन में क्या बोला था तुमने सब कुछ खिलाया अरे वाह मेरी डाइट अब 2-3 दिन अच्छा आज करने वाले थे नहीं नहीं आज नहीं करने वाली थी ये पढ़ो भी नहीं दही बड़े भी है अरे इतनी जल्दी क्यों जब से दही रही दाल को गला के दाल गला रही थी अच्छा अभी 5 बजे मामा लेके आई ताजा उठाए चलो ये दही बड़े आपस में लड़ने में लगे थे कुछ तो मैंने पूछा क्यों लड़ रहे हो तुम लोग ये दिल पे लगा चलो भाई आप भी थैंक यू सो मच आपको बहुत सारा मुबारक हाथ इधर नहीं हो पाया अब ये जून का ना सेलिब्रेशन वाला स्टार्ट हो गया है अच्छा सेलिब्रेशन शुरू हो गया मैं तो सिर्फ बलून मांगा था ये बोनस है लेकिन वो उन्होंने शायद थोड़ा आते आते टूट गया हम लोगों ने उसको हार्ट ब्लू करके जोड़ा सेंटर से सबसे ज्यादा तो मुझे वो गुलाब जामुन का आप तो खाओगे नहीं तो इनको बहुत बहुत परफेक्ट बने अम्मी ये क्या हो रहा है दिन में बोला ये लड़कियां सबको पीछे छोड़ देगी नहीं आप सबको तो देख के सीखा है कुछ सीखती जा रही है धीरे धीरे चाहे जो बना वही नहीं नहीं मेरे को सब मिल जाएगा आज हमारे टेस्ट नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छा वो मुझे मत नहीं वो बिल्कुल नहीं दे रही बहुत ही अमेजिंग ये भी परफेक्ट है ये तो आप खाते नहीं मुझे गुलाब जामुन में हमेशा मुझे इलायची का फ्लेवर आता है हाँ। बहुत बहुत चलो फाइनली आ गए तुम भी खा लो रिजा ले लो बहुत अच्छा नहीं मेरा खाना खा लो चलो शाम को अरे खा लो अभी लगा के आप तो इतने पतले हो गए हो पहले मैं खाना खा लूं फिर अच्छे बनाएगा इसके बिना कैसे होगा मेरी चीटी करवा दिया ये देखो चीटी नहीं उसने बनाया तो मैं खा रहा हूं ब्लॉग पे बोल के आई थी कि आज और वो पड़ी अरे आज मैंने ऊपर शीरकुरमा बनाया क्योंकि मुझे अरे भूल गई उस बारे में तो खाया फिर रखा हां ठीक है वो खाएंगे अच्छा ना क्योंकि आप जब उसने बना रहे थे तो बहुत मन हो रहा था ओ, ओ, ऐसे होना चाहिए देखो वेट ऐसे कम होता है कर देंगे वीडियो से हेलो अरे हम नहीं दिखाएंगे आप यानी खिंचाई करते हो हम नहीं दिखाएंगे रन तुम क्यों नहीं खा रहे अभी इतने दही बड़े खाए मैंने तो अनीत ले अच्छा ओहो मुझे नहीं लगता अब ऐसे ही चलता है वो जमीन में डोरेमोन की टाइम मशीन नहीं है बस ऐसे नॉर्मल रहन चला के दिखाओ ना ऐसे चलता है ना बस बस ये नहीं है वो नहीं है कुछ तो होना चाहिए ना हाँ क्यों और ये भी नहीं समझ में आया क्यों दिया कोई रस्सी उसी भी साथ में नहीं 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 उसको बैठ के पास्ट और फ्यूचर में चला जा अल्लाह हाफिज चलो चलो जा रहा है ये किस तरह को दिल को तोड़ रही हो
वो टूट ही नहीं रहा, इतनी देर हो गई, यहाँ का टूट गया तो ये माइक्रोवेव में पिघला लो ना हमेशा की तरह, लेकिन फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे अच्छा रहता है। लेकिन फोड़ो, आवा कह रही है कि सबके पैरों में आएंगे। फ्रेंड्स, ये बलून फोड़ने से इतना डरता है आपको, इसलिए पुराना क्लिप दिखाया है कान में वो सब लगा के और दूर से इस तरह। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का व्लॉग, और आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा। भाभी तो आई गई थी कल, आपको पता ही था, आपने भाई के व्लॉग में देखा, तो कल हमने उनको थोड़ा आराम करने दिया और फिर आज उन्होंने बहुत इंजॉय किया, हमने भी बहुत अच्छा सब कुछ खाया और हम लोगों की मेहनत रंग लाई, भाभी को सारी चीज़ें अच्छी लगी, ये लाइट भी बहुत अच्छी लगी, ये लाइट में इशू हो गया था आपने देखा कि वो टूटी हुई आई थी, फिर हमने उसको हॉट ग्लू गन से जोड़ लिया, हमने उनको कॉन्टैक्ट किया, वो लोग अच्छे थे, उन्होंने बोला हम आपको दूसरा भेज देते हैं, लेकिन हमने कहा कि अब क्या होगा, तो सेलिब्रेशन हो गया है, तो उन्होंने कहा चलो हम कभी आपको कुछ और दूसरा भेज देंगे इसके बदले तो हम कुछ और मंगा लेंगे उनसे। हाँ। काफी स्वीट थे वो लोग, जैसे ही उन्होंने देखा ब्रोकन तो फौरन उन्होंने कहा हम आपको कुछ भेजते हैं, तो हमने कहा सेम लेने से अभी कोई मतलब नहीं है, है ना। हाँ। तो चलो हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए, हम सबको दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी मिलेंगे बहुत अच्छे व्लॉग के साथ, और इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा रहा तो जून में बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि सारा और बाकी सारे लोग, खाला लोग, नानी लोग भी आने वाली, उनकी अम्मी आने वाली तो फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह और कुछ तो नहीं कहना ना? नहीं नहीं, बस इतना ना, बस लाइक कर लेना इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और भाभी को 2 मिलियन कराने के लिए हम सबकी तरफ से बहुत 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 सारा थैंक यू।